नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मारुति ने जो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ब्रेजा आती है उसको सर्विस सेंटर बुलाया है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, केवल ब्रेजा को ही नहीं, जो गाड़ियाँ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आती है मारुति की, जैसे अर्टिगा वगैरह, तो उनको भी रिकॉल किया है। तो कुछ लोगों ने दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट करा लिया, उनको कोई इशू नहीं आ रहा, और कुछ लोगों को काफ़ी इशू आ रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाए दोस्तों तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम क्या आ रही है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो वीडियो बनाया था दोस्तों उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट अभी मत करवाइए। मैंने भी नहीं करवाया। मेरी जो गाड़ी है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में ही है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है। तो मैंने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कराया। मेरे पास सर्विस सेंटर से कॉल आया था तो मैंने अभी अपनी गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट नहीं कराया। बहुत सारे लोगों ने अपडेट करा भी लिया है, कॉमेंट करके कुछ लोग बता भी रहे हैं कि हमने अपडेट करा लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है मुझे कॉन्टेक्ट करके बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या इशू फेस कर रहे हैं लोग, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अपडेट है ना, गाड़ी की परफॉर्मेंस से कोई असर नहीं डालने वाला। ये केवल जो हमारी गाड़ी में लिथियम आयन बैटरी जो आती है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिन गाड़ियों में दी गई है उसमें लगी होती है। जैसे कि हमारी गाड़ी में जो बैटरी है वो यहाँ पर को पैसेंजर सीट के नीचे लगी हुई है। तो ये जो बैटरी है दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए, इसका जो चार्जिंग टाइम है या फिर इसकी जो लाइफ है उसको इन्हेंस करने के लिए आया है। बाकी इसको अपडेट करने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस में कोई इशू आ जाएगा, तो मेनली जो अपडेट आया है दोस्तों ये केवल बैटरी की जो लाइफ है इसको इंक्रीज करने के लिए, इसका जो चार्जिंग समय है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैटरी पहले 0% ड्रेन होने के बाद भी चार्ज हो जाती थी, लेकिन अभी अपडेट के बाद में कंपनी ने ऐसा किया है कि बैटरी को पूरा ड्रेन नहीं होने देगा, यानी कि 10% मिनिमम बैटरी चार्ज रहेगी और इससे नीचे ड्रेन नहीं होगी। यानी कि आपकी गाड़ी में जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होती है तो 10% जब होगी तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अब और क्या चीज़ें हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो इशू लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारी गाड़ी चार्ज होती है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं थोड़ा सा, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर व्हील दिया गया है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और यहाँ बैटरी दी गई है। तो जब गाड़ी इंजन से पावर लेती है तो यहाँ पर इंजन का साइन भी आ जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चलने लग जाती है, तो इंजन से पावर जब लेती है व्हील की तरफ एक एरो चलता है, और इंजन से और बैटरी से दोनों से जब पावर लेती है तो दोनों तरफ से एक एरो चलते हैं। और जैसे ही हम एक्सीलेटर पेडल को छोड़ते हैं तो रीजनरेटिव जो सिस्टम है गाड़ी में, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसको चार्ज करने लग जाता है ये सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से व्हील से पावर जाने लग जाता है बैटरी की तरफ, यानी एरो बैटरी की तरफ जाने लग जाता है, इतना तो आपको पता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो बैटरी है कुछ कंडीशन में देखा गया है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो चार्ज ही नहीं हो रही है। और ये भी देखा गया है दोस्तों कि हमारी गाड़ी का जो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है वो भी काम नहीं कर रहा है। जैसे हम गाड़ी को रेड लाइट पर खड़ा कर देते थे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मेरी गाड़ी में यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है, अभी जो ब्रेजा आ रही है उनमें ये सिस्टम हटा दिया। तो मैं ये स्विच दबाऊंगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक, यहाँ देखिए यहाँ पर एक लाइट शो हो रही है, तो हमने इसको अभी ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये जो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो होता है ना दोस्तों, ये रेड लाइट पर या कुछ सेकेंड गाड़ी जैसे ही न्यूट्रल में हम करके खड़ी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी को बंद कर देता है, और जैसे हम क्लच पेडल को प्रेस करते हैं ना वैसे स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अपडेट के बाद हम क्लच पेडल को प्रेस नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। तो ये भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। अब एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। होता ये है, जब हम गाड़ी में एसी यूज करते हैं तो केबिन के अंदर का टेम्परेचर, मान लीजिए आपने 22 पर सेट कर रखा है, अभी तो सर्दी का मौसम है, ये चीज़ पहले भी लोग फेस कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए आपने केबिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया है, यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आने वाली ब्रेजा की बात कर रहा हूँ, और वो ब्रेजा स्मार्ट हाइब्रिड के साथ होनी चाहिए। तो मान लीजिए 22 पे हमने यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया, अब गाड़ी जैसे चल रही है और हम रेड लाइट पर खड़े हो गए, हमने गाड़ी को न्यूट्रल किया, गाड़ी बंद हो गई, और हमारी गाड़ी का एसी भी चल रहा है। अब एसी में लगा हुआ जो सेंसर होता है ना, वो डिटेक्ट कर लेता है कि 22 से अगर अधिक टेम्परेचर केबिन का होगा, यानी हमने 22 पे सेट किया था, अगर 23 पे हमारी गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर जाता है रेड लाइट पे खड़े खड़े, तो ऑटोमेटिक गाड़ी का जो ECM है वो इंजन को स्टार्ट कर देता है, ताकि AC फुल स्ट्रेंथ से फिर से ना चले जब गाड़ी को हम स्टार्ट करें या फिर क्लच दबा के स्टार्ट करें, तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम काम करता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
ठीक है ना, तो ये भी एक इशू आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और फेस कर रहे हैं लोग, जैसे ही हम एक्सेलेरेटर पेडल को हार्डली प्रेस करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है इंजन से और बैटरी से दोनों तरफ से पावर गाड़ी लेती है, लेकिन कुछ कंडीशनों में ऐसा देखा गया है अपडेट के बाद केवल इंजन से पावर ले रही है, एरो यहाँ पर सो ही नहीं करता, यानी बैटरी से गाड़ी पावर नहीं ले रही है। चार्ज हो रही है तो बैटरी से पावर नहीं ले रही है, और बैटरी से पावर ले रही है तो चार्ज नहीं हो रही है, ऐसी चीजें देखी गई हैं। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि स्टार्टिंग में हमारी गाड़ी में ये इशू आ रहा था और ऑटोमेटिक फिर जो है अपने आप ही ये सब चीजें सही हो गई हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गाड़ी को जब आप अपडेट कराएंगे ना, तो थोड़े दिन आप गाड़ी जब चलाएंगे या कुछ लॉन्ग रूट पे चलाएंगे तो गाड़ी का जो ECM होता है दोस्तों उसको सारी चीजें समझ में आ जाती है, आपकी ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से सारी चीजें वो फिर से रीसेट कर देता है, साथ में आपने जो अपडेट कराया है उसके हिसाब से भी सारी चीजें वो धीरे धीरे अपडेट कर देता है जैसे ही आप गाड़ी को चलाने लग जाते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, हालांकि अभी मैं थोड़ा वेट करने के बाद ही ये चीज करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखा गया है कि 80% लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन 20% 25% लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जानकारी थी दोस्तों लेटेस्ट जो अपडेट आया अर्टिगा के लिए आया है, ब्रेजा के लिए आया है, जो भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए आया है। तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फिर आप अपडेट करा चुके हैं और प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से सर्विस सेंटर जाइए, फिर से जो है वो अपडेट कर देंगे। और कुछ देर आप जब गाड़ी को ड्राइव करेंगे सिटी में हाईवे में, तो फिर वो सारी चीज़ें अपने आप ही ECM सेट कर देगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।